हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक असाधारण मनोविकार के बारे में, जो लगता असाधारण है मगर वो कॉमनली दिखाई देता है, सर्वसामान्य रूप से काफी लोगों को दिखाई देता है। वो इसको बोलते हैं क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम। तो क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम मतलब ऐसा, एक 6 महीने से ज्यादा यदि आपको थकान महसूस हो रही है, थकान लगती है और पूरा जैसी ताकत निकाली गई शरीर में से, ऐसा आपने को 6 महीना ऐसा लगता है, 6 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि उसमें लक्षण आपको बताता हूं। इसमें होता क्या है कि ख्याल नहीं रहता काम में, फिर भुलक्कड़पना आता है और काम करने के बाद में बहुत थकान महसूस होती है। मतलब जैसा काम करने की जो ताकत है वो 50% कम हो जाती है। हाथों पैर में दर्द, हाथ पैर शक्तिहीन होना, जोड़ों में दर्द और कोई काम करने की इच्छा नहीं होना, और थोड़ा सा भी काम कर दिया तो वो तो यूजुअली ये बिना कारण चालू हो जाता है। मतलब कोई कारण नहीं रहता। कभी ऐसा होता है कि एखादे समय बुखार आ जाता है और बुखार के बाद में बीमारी शुरू हो जाती है, और सभी तरह की जांच करने के बावजूद भी इसमें कुछ निकलता नहीं है। मतलब शरीर में कुछ भी निकलता नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक तो नींद अच्छी होती नहीं है, और नींद अच्छी नहीं होने के बाद में फिर सवेरे सवेरे सुबह जब उठे तो फ्रेश नहीं लगता है। तो सुबह फ्रेश नहीं लगना, नींद अच्छी नहीं होना, ऐसे सवेरे उठने के बाद में ऐसा लगता है कि नींद हुई नहीं। फिर कभी पेट में मतलब पचन नहीं होना, ज्यादा संडास को लगना, मतलब टॉयलेट ज्यादा बार जाना या टॉयलेट होना ही नहीं, संडास होना ही नहीं दो दो तीन तीन दिन, या भूख नहीं लगना, एसिडिटी होना, मतलब काफी सारी शारीरिक बीमारियां ये उसके लक्षण होते हैं। और उसके साथ साथ थकान, ये उसका मेन लक्षण है, थकान लगना, थकावट लगना, और भुलक्कड़पना और ख्याल नहीं रहना, ख्याल नहीं दे सकना कोई भी चीज के ऊपर, वो दिखाई देता है। ये 15 दिन महीना भर ऐसा किसी को हो सकता है, मूड कम ज्यादा हो गया तो, कि कोई कारण हो गया अपने आसपास में, फेल हो गए, कोई नुकसान हो गया, प्रमोशन नहीं मिला, ट्रांसफर हो गई, या झगड़ा झंझट हो गया, प्रॉपर्टी का मैटर है, कोर्ट केस हार गए, तो फिर ऐसा होता है, वो एक डिप्रेशन का पार्ट होता है। मगर बिना कुछ वजह नहीं होने के बावजूद भी 15 दिन महीना भर हो गया और उसके बाद में भी ये 6 महीने तक ऐसा चल रहा है, तो उसको क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम ऐसा बोलते हैं। इसमें बीमारी या बीमारी का इलाज क्या है, तो इसमें साइकोथेरेपी मतलब मानसोपचार करना बहुत जरूरी है। मानसोपचार करना, सपोर्ट करना वो व्यक्ति को, एक्सरसाइज रोज करते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना देना, अच्छा खाना खाना, एक्टिव लाइफ जीना उसके बावजूद भी, और निराशा के मतलब डिप्रेशन की जो दवाई है एंटी डिप्रेशन, वो कभी कभी इस्तेमाल करके फायदा होता है। तो मेडिटेशन, साइकोथेरेपी, मानसोपचार, कुछ दवाइयां और एक्टिव लाइफ यदि वो जीता है तो उससे काफी सारा फायदा होता है। इसमें एक सूचना ऐसी है कि शारीरिक बीमारी नहीं हो कोई भी किस्म की, उसके लिए सब तरह की जांच करना जरूरी है। जैसा थायराइड की बीमारी है वो देखना है कि थायराइड बीमारी है क्या, या बाकी कोई बदन में और कोई बीमारी है क्या, इसलिए सब तरह की जांच, खून की जांच, एक्सरे रिपोर्ट सब करने के बाद में यदि उसमें कुछ मिलता नहीं है और तभी भी उसको थकान लगती है, तो फिर अपन बोल सकते हैं कि क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम है। नहीं तो होगा क्या कि कोई शारीरिक बीमारी है और अपन इलाज करें क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम का। तो आपके आजू बाजू में ऐसे काफी लोग होंगे जिनको ऐसी थकान महसूस होती है, थकान लगती है, दर्द होता है, नींद नहीं होती,
भूख नहीं लगती, और काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसके कुछ वजह नहीं मिलती है, उसको साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके जाना, उसका इलाज करना। ये वीडियो आप लोगों को जरूर शेयर करो, उनको फायदा होगा। अब व्हाट्सएप पे डालो, यूट्यूब पे डालो, ये अपना फेसबुक पे डालो उसकी लिंक, और लोगों को शेयर करो ताकि काफी लोग इसका फायदा उठा सके और अपना जीवन अच्छा कर सकेंगे। ये सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।